तो भाइयों आज हमारे पास है सिरेमिक व्हाइट कलर के अंदर थर्ड जनरेशन ड्यूक 250। आज की वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत ही डिटेल में, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सारी चीजें टू द पॉइंट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव तरीके से बताऊंगा। लास्ट में बात करेंगे कि आपको ये मोटरसाइकिल कंसिडर करनी चाहिए या फिर आप कोई हायर सीसी मोटरसाइकिल भी देख सकते हो, जैसे कि इसका बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन मार्केट में आ चुका है RTR 310। तो एक बार सारी चीजें, इसके फीचर्स वगैरह की सारी चीजें जान लेते हैं, काफी अच्छे से आपको बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट में इस चीज की बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ना दोस्तों लुक्स की बात कर लेते हैं। तो लुक्स तो भाई मोटरसाइकिल के ना पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज हैं, बिल्कुल रिफ्रेश्ड हैं, और व्हाइट कलर के अंदर ना मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी एक बढ़िया सा इसका लुक निकल के आ रहा है व्हाइट कलर में, आई कैची लग रही है बहुत ज़्यादा। तो व्हाइट एंड ऑरेंज का जो मिक्सचर है ना, थोड़ा सा ब्लैक है फ्रेम के आसपास, उसके बाद सारी चीज़ें ऑरेंज एंड व्हाइट के अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार यहाँ पे देखोगे ना तो नई LED लाइट्स आ गई हैं इसके अंदर, पहले अलग तरीके की आती थी लेकिन अब आपको थोड़ी सी RC की याद आ जाएगी, कुछ इस तरीके की लाइट्स इसके अंदर आ गई हैं। ड्यूक 390 में आपको यहाँ पे DRLs भी देखने को मिलते हैं, इसमें नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि भाई कोई ऑप्शन अलग से मिल जाए आपको कि भाई आप DRLs में अपग्रेड कर सकते हो, तो वो शायद बाद में हमें पावर पार्ट्स वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जहां तक है इस तरीके का कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, आपको आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज ही लगवानी पड़ेंगी। तो यार यहाँ पे थोड़े से ना DRLs भी दे देते तो काफी ज्यादा अच्छा लगता। उसके बाद यहाँ पे वही सेम LED इंडिकेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो भाई व्हाइट कलर का मतलब जो पेंट क्वालिटी है ना, पेंट क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। क्वालिटी में जो है ना KTM ने बहुत ही अच्छा एक इंप्रूवमेंट किया है, काफी अच्छा जंप लिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ये वाले हल्के हैं, पहले आपको वो 14 स्पोक्स वाले जो अलॉयस आते थे वो देखने को मिलते थे, उनका वेट भी ज्यादा होता था। उसके बाद ना एक छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स है यहाँ पे, जैसे कि अब आपको सामने वाली डिस्क ब्रेक है 320mm की मिलती है लेकिन फ्लोटिंग मिलती है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखोगे ना तो आपको कोई भी हब नहीं देखने को मिलता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वही इसके जो वेट एडवांटेज है इसे प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो भाई बाइब्री का वही आपको 4 पिस्टन का कैलिपर मिल जाता है, लेकिन भाई रेडियली माउंटेड कैलिपर है तो काफी अच्छी ब्रेकिंग आपको मिलने वाली है, काफी अच्छा वेंटिलेशन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रंट में 43mm के नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, देख लो भाई ये 43mm के USD सस्पेंशन है, लेकिन जो इनकी स्टिफनेस है ओवरऑल इंडियन रोड्स के हिसाब से काफी अच्छी पकड़ आपको देते हैं, काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी में। उसके बाद यहाँ पे आओगे भाई तो यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके का बड़ा रेडिएटर मिलता है, तो जितने भी लोगों की एक शिकायत थी ना कि भी गाड़ी हीट करती है वो शायद अब नहीं करेगी। और एक चीज ना जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी कर दी है इन्होंने, पहले रेडिएटर जो है काफी ओपन सा आता था लेकिन अब आपको यहाँ पे पत्थरों से बचाने के लिए छोटी सी प्लास्टिक की ग्रिल भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे ना एक चीज आप और एक चीज देखो, यहाँ पे अब आपको ना ये फ्लोटिंग एक्सल मिलते हैं, पहले इसके अंदर जो एक्सल आते थे ना वो यहाँ से टाइट होते थे लेकिन अब एक्सल इसके यहाँ से टाइट होंगे, तो इससे ज्यादा टाइट करने के बाद भी आपकी जो टायर्स की बियरिंग है वो जल्दी खत्म नहीं होंगी, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, तो ये काफी अच्छी चीज KTM ने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। उसके बाद पहले जो था यहाँ पे अंदर आता था इसका कूलेंट रखने का, लेकिन अब कूलेंट के लिए जो रिजर्वायर है वो यहाँ पे कर दिया गया है। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, इसके अंदर ना अब एक ही फैन मिलता है आपको, 390 वाला रेडिएटर है लेकिन 390 की तरह इसमें दो फैन नहीं मिलते हैं, एक ही फैन मिलेगा आपको, वो भी उस तरफ है, मैं उस तरफ जाऊंगा तब आपको दिखा दूंगा। उसके बाद ना अब एक बार इंजन की बात कर लेते हैं, तो पहले आपको इसके अंदर 248cc का इंजन मिलता था, वहीं अब आपको इसके अंदर 249.07cc का इंजन मिलता है। टॉर्क जो फिगर है उसको 1 Nm बढ़ा दिया गया, पहले इसके अंदर 24 Nm मिलता था अब आपको इसके अंदर 25 Nm मिलेगा। वहीं ये लेटेस्ट जनरेशन इंजन है, यहाँ पे ये देख लो LC4C की ब्रांडिंग है, तो L का मतलब होता है लिक्विड, C से होता है कूल्ड, 4 से होता है 4 स्ट्रोक और C का मतलब है कॉम्पैक्ट। तो जो सबसे पहले इंजन KTM ने डेवलप किया था वो काफी कॉम्पैक्ट इंजन होते थे, LC4C का ही ये लेटेस्ट जनरेशन है। तो ड्यूक 250 BS6 वाली में बहुत लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहता था, उसको अब बढ़ा दिया गया है, पहले आपको 151mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था, वहीं अब आपको इसके अंदर यहाँ पे 176mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, तो कहीं पे भी ये टच नहीं होने वाली है। एक जो छोटी सी चीज यहाँ पे जरूर से इंप्रूव कर सकते थे, यहाँ पे आपको कोई भी स्लज गार्ड नहीं मिलता, यहाँ पे एक छोटा सा इंजन काउल दे देते या फिर एटलीस्ट इस एग्जॉस्ट पाइप के अंदर प्रोटेक्शन दे देते तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन कहीं पे लगेगा नहीं तो यार उस चीज की ना मतलब कोई एज सच मुझे जरूरत लगती नहीं है। बाकी आप देख सकते हो भाई शैसी पूरी तरीके से न्यू है, RC390 वाली जो शैसी है वो इसके अंदर दे दी गई है। उसके बाद ना दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज करी गई है, अब आपको इसके अंदर ना यहाँ पे ये ऑफसेट मोनोशॉक देखने को मिलता है, पहले जो मोनोशॉक होता था वो सेंटर से वहीं से कनेक्ट होकर सीधा आपके यहाँ पे ऊपर फ्रेम पे कनेक्ट होता था, लेकिन अब उसको साइड में ले लिया गया, तो इससे क्या है कि आपको एक तो सीट हाइट के लिए एडवांटेज मिल गई, सीट हाइट आप कम कर सकते हो, पहले इसकी सीट हाइट आती थी 835mm की, उसी को अब कम करके आप 800mm 820mm दोनों में चूज कर सकते हो पावर पार्ट्स का यूज करके। एक और एडवांटेज यहाँ पे है, तो अंदर जगह बच गई तो उसके लिए जो इसका एयर बॉक्स है उसको बड़ा कर दिया गया है, जिससे आपको थ्रोटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, तो ये काफी ज्यादा अच्छा अपग्रेड KTM ने यहाँ पे किया है। उसके बाद यहाँ पे भाई सीट कंफर्ट का काफी ज्यादा इशू आता था, उसको भी इंप्रूव कर दिया गया है, सीटिंग आप देख सकते हो भाई पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है, मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यूज किया, सारी चीजें बिल्कुल मतलब मोटरसाइकिल अपनी क्वालिटी को स्पीक कर रही है।
उसके बाद यहाँ पे अगर सब फ्रेम की बात करें तो पहले आपको इसके अंदर यहाँ पे ट्रेलिस फ्रेम मिलता था पीछे, लेकिन अब आपको काफी ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला एलुमिनियम का सब फ्रेम मिलता है, तो ये काफी सही चीज कर दी है, वेट एडवांटेज भी मिल गई और लुक्स को भी काफी अच्छे से एनहेंस कर रहा है। उसके बाद नीचे आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको नए तरीके के भाई ये बाइब्री के कैलिपर मिलते हैं, जिनमें यहाँ पे ना जगह भी छोड़ी गई है, तो इनका जो वेंटिलेशन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड रहेगा, जिससे कि आपकी ब्रेकिंग हीटिंग नहीं होगी, तो ब्रेक हीट नहीं करेंगे तो आपको ब्रेकिंग की एफिशिएंसी जरूर से अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एक और अपग्रेड है पीछे, एक तो आपको यहाँ पे भाई डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है और पीछे वाला एबीएस आप बंद भी कर सकते हो, सुपर मोटो मोड इसके अंदर आता है। और यहाँ पे अपग्रेड जो है तो पहले इसके अंदर 230 mm की डिस्क ब्रेक आती थी, लेकिन अब इसके अंदर 240 mm की डिस्क ब्रेक आती है, और ये वाला जो पिस्टन देख रहे हो सिंगल पिस्टन बाइब्री का कैलिपर यहाँ पे देखने को मिलता है। टायर साइज की अगर मैं बात करूं तो पीछे आपको 150x60 17 इंच का अलॉय व्हील है, 150 सेक्शन का टायर है, सामने आपको 110 सेक्शन का मिलता है। तो पहले KTM के अंदर ना यहाँ पे एक टायर हगर आया करता था, जिसको जनरली लोग निकाल निकाल के फेंक देते थे, वो काफी ज्यादा आफ्टर मार्केट सा लगता था, तो उसको यहाँ पे इंप्रूव कर दिया गया है, यहाँ पे अब आपको ये पूरा मडगार्ड दे दिया गया है, तो ये ओवरऑल टायर की जो विड्थ है उसको काफी अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, बाइक के जो लुक्स है उसको काफी अच्छे से एनहेंस कर पा रहा है। पीछे आओगे तो भाई पीछे यहाँ पे देखो काफी सुंदर सी आपको काफी फ्लूइड सी ये टेल लैम्प मिलती है, काफी अच्छा डिजाइन KTM ने किया है, काफी ब्राइट लग रही है ये। तो भाई सीट्स की मैं आपको बताई चुका हूँ, सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके के ग्रैब हैंडल्स आते हैं इसके अंदर, जो काफी ज्यादा स्टडी लगते हैं, मतलब क्वालिटी में ना KTM ने बहुत ही अच्छी एक जंप मारी है। उसके बाद यहाँ पे ना एक इंजीनियरिंग का छोटा सा ना मैं आपको नमूना दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो ये ग्रैब हैंडल्स है ना ये यहीं पर खत्म ना करके टेल लाइट के ऊपर तक लाए गए हैं, जिससे अगर आपका कोई लगेज हो या फिर कोई बंदा बैठा हो या फिर कोई चीज इसके ऊपर ऊपर से गिरे तो आपकी ये टेल लाइट ना टूट जाए, तो भाई काफी अच्छे से KTM ने अपनी इंजीनियरिंग को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको साइड गार्ड्स मिल जाता है नॉर्म्स के कंप्लायंट के लिए, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपग्रेड है। पहले आपको इसके अंदर ओरिंग्स वाली चेन देखने को मिलती थी, जिससे कि इसकी लुब्रिकेशन आपको हर 300-500 किलोमीटर पर करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको इसके अंदर एक्स रिंग्स वाली चेन मिलती है, जिससे जो ल्यूब है ना वो थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक रिटेन रह पाएगा, तो 800-1000 किलोमीटर के आसपास अब आपको ल्यूब करना पड़ेगा इस चेन को, अगर आप बहुत ही ज्यादा डस्टी कंडीशन में चला रहे हो तो वहां पे इंटरवल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। एक जो चीज है ना यहाँ पे वो काफी सही है कि अब जो MRF के टायर्स दिए गए हैं ना तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो काफी अच्छी ग्रिप आपको देने वाले, रेडियल टायर्स मिल जाते हैं आपको आगे और पीछे। उसके बाद इस तरफ आते हैं तो भाई यहाँ पे आपका 6-speed का ट्रांसमिशन है। अब यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे एडेड फीचर्स हैं इसके अंदर, तो सबसे पहला तो आपको इसके अंदर अब राइड बाय वायर मिल जाता है, अब आपको कोई भी मैकेनिकल लिंकेज नहीं मिलेगा आपके थ्रॉटल और थ्रॉटल बॉडी के बीच में, सीधा पूरा सारी चीजें ECU से कंट्रोल रहेंगी, तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफी ज्यादा प्रिसाइज रहेगा। उसके बाद आपको इसके अंदर अब स्लिपर क्लच मिल जाती है, वो तो पहले भी मिल जाती थी, तो क्लच काफी ज्यादा लाइट है। उसके बाद जो बहुत ही बड़ा अपग्रेड है 6-speed का ट्रांसमिशन है, और आपको इसके अंदर बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल जाता है, मतलब आप क्लचलेस अपशिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर पाओगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आओगे भाई पैनल्स वगैरह आप देख लो, पहले से काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, क्वालिटी वाइज मैं जैसे हर बार बोल रहा हूँ कि भाई जंप काफी ज्यादा अच्छी है, तो वो हर जगह दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेटल का टैंक है, पहले इसकी टैंक कैपेसिटी आती थी 13.4 लीटर्स की, वहीं अब इसको बढ़ाकर 15 लीटर कर दिया गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लॉन्ग राइड्स पे इजीली से लेके जाइए, आपकी मोटरसाइकिल आपको एवरेज भी अच्छा दे देगी, 30 के आसपास का एवरेज आपको दे देगी, और 15 लीटर का टैंक है तो आप इजीली से लेके जा सकते हो काफी लंबी राइड्स पे। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो भाई देखो ग्रिप्स भी पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है, नई हैंडल ग्रिप्स इसके अंदर आ गई है, तो ये काफी ज्यादा ग्रिपी है, काफी अच्छा मटेरियल ये लग रहा है। क्लच बहुत ही ज्यादा लाइट है, एडजस्टेबल लीवर्स इसके अंदर नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आपको अब हैजार्ड वाला जो स्विच है ये आपको कंपनी से मिल जाएगा, आपको कोई भी आफ्टर मार्केट फ्लैशर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका हाई बीम लो बीम और पासिंग का स्विच है। उसके बाद यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं, बटन्स की क्वालिटी काफी ज्यादा सही है। उसके बाद ये बैकलिट बटन्स हैं, आप देख सकते हो भाई लाइट इनके अंदर जल रही है, यहाँ पे आपका इंडिकेटर है, हॉर्न है, यहाँ पे आपका किल स्विच है, तो भाई क्वालिटी वाइज ना बोल रही है मोटरसाइकिल की हाँ भाई खरीदो मुझे खरीदो, काफी अच्छी क्वालिटी में दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका वन क्लिक पावर स्टार्ट है, इस तरीके की आपको कुछ इसके अंदर ये LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सारे फीचर जो इसके अंदर हैं वो अभी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तो ऑफ करके एक बार ऑन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन आएगी, और यहाँ पे ऊपर आपकी सारी वार्निंग लाइट्स आती हैं, यहाँ पे आपकी शिफ्ट लाइट है, उसके बाद ABS लाइट, न्यूट्रल लाइट, सारी वार्निंग लाइट्स आपको ऊपर देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलता है डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल वाला साइन है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे आपको आपकी डिजिटल स्पीड मिल जाती है, डिजिटल RPM है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर लो है या हाई है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, तो ये काफी सही फीचर ऐड कर दिया। कोल्ड स्टार्ट आपको अब कितनी देर करनी है मोटरसाइकिल आपको यहीं पे बता देगी। यहाँ पे ओडोमीटर है, यहाँ पे रियर ABS ऑन है या ऑफ है उस चीज की वार्निंग आ रही है। अब एक बार ना इसके सारे फीचर्स को देख लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप मेन्यू के अंदर जाने वाला बटन दबाओगे, बटन्स के क्लिक काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, काफी अच्छे क्लिक्स हैं बटन के, तो यहाँ पे एक बार आपको सारी वार्निंग से टॉगल कर देगा, फिर यहाँ पे आपको कुछ तरीके का डेटा देखने को मिलेगा, तो आपका ट्रिप डेटा है, एवरेज स्पीड है, एवरेज कंजप्शन है और आपका टाइम है। उसके बाद अंदर चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ABS है, ABS के अंदर है आपका रोड मोड या सुपर मोटो मोड, आपको जो भी रखना आप रख सकते हो। बाइक इन्फो है, बाइक इन्फो के अंदर आपको सारी चीजें पता चलेंगी, इंजन टेम्परेचर, रेंज कितनी है, बैटरी कितनी, ऑडोमीटर कितनी, सर्विस इंटरवल कब है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपकी ट्रिप इन्फो है, ट्रिप डेटा आ जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे नेविगेशन है, आप जैसे ही अपने फोन से कनेक्ट कर लोगे तो आपकी ना एक ऐप आती है KTM की, जिसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। देखो भाई नेविगेशन फ्री में नहीं चलेगा, आपको ऐप डाउनलोड करके फिर अपनी मोटरसाइकिल से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी इसके अंदर नेविगेशन चालू होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ब्लूटूथ
ब्लूटूथ हेडसेट और ब्लूटूथ पे गाने चला रहे हो तो उस चीज़ को भी आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे ऑडियो प्लेयर का ऑप्शन दिया गया है, नीचे आओगे तो नीचे यहाँ पे लैप टाइमर भी दिया गया है आपको, तो ये काफ़ी सही फीचर है। अगर आप ट्रैक डे वगैरह करते हो तो आपके लिए लैप टाइमर का भी फीचर दिया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे लास्ट में आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं जिसके अंदर आप फेवरेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो कि स्क्रीन पे क्या क्या डिस्प्ले होगा जब आप कुछ भी नहीं चला रहे होगे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्विक सिलेक्टर है कि भाई इन बटन से आपको क्या सेट करना है ऊपर नीचे दबाने के बाद, तो यहाँ पे क्विक सिलेक्टर का ये बटन दिया गया है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे कनेक्टिविटी है जिसमें आपका मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ पेयरिंग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पे क्विक शिफ्टर प्लस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई बंद रखना है या फिर चालू रखना है, तो ये भी चीज़ काफ़ी सही दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपकी शिफ्ट लाइट है। नीचे आओगे तो नीचे यहाँ पे आपका क्लॉक एंड डेट है, यहाँ पे यूनिट्स है, यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेंगे। एक बार इसकी की दिखा देता हूँ, तो भाई काफ़ी अच्छी की दी ये इस बार KTM ने, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है और नया डिज़ाइन दे दिया तो भाई ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगना ही लगना है। KTM करता है तो भाई स्टाइल से करता है। अब एक बार ना इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। भाई कुछ ऐसा है इसका एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगा या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो भाई अब एक बार मैं इसके ऊपर बैठ कर दिखा देता हूं ताकि आपको इस स्टांस का अंदाजा लग जाए। तो मेरी हाइट 5'7" है, आप पता लगा लेना। सीट हाइट एडजस्टेबल भी है, 800mm या फिर 820mm आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कौन सी आपको ज्यादा सही लगती है। तो एक बार बैठ जाते हैं तो भाई देखो मेरे पूरे पैर इसके ऊपर टिक चुके हैं दोनों तरफ से, तो काफी अच्छी सीट हाइट इस बार KTM ने दी। उसके बाद भाई जो स्टांस है ना बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, ऐसे उठा के मतलब जो स्टीयरिंग पोजीशन आपको दी गई है ना वो काफी ज्यादा कमांडिंग है, मुझे काफी ज्यादा सही लगी। ऊपर से इस पे बैठने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप किसी बड़ी सीसी वाली मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ गए हो। तो एक बार आइए एक्सपीरियंस करके देखिए। मैं बता देता हूँ कि आज मैं KTM ओखला पे आया हूँ, तो यहाँ पे आप आके जरूर से मोटरसाइकिल को चेक कर सकते हो, काफी अच्छी सर्विस एंड सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर कंपटीशन की बात करें तो हाल फिलहाल में जो नई मोटरसाइकिल अपाचे ने लॉन्च करी है RTR 310, तो वो नई मोटरसाइकिल है, एक मार्केट में ये नई मोटरसाइकिल है, तो दोनों ने काफी ज्यादा हल्ला मचाया हुआ है। तो भाई एक सीधी बात कर लेते हैं बिल्कुल। देखो आपको जो अपाचे RTR 310 है उसका जो बेस वेरियंट आता है वो मिलता है 2,43,000 का, जिसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। वहीं ये मिलती है आपको 2,38,000 एक्स शोरूम के अंदर, जिसमें आपको राइड बाय वायर क्विक शिफ्टर जैसी सारी चीजें मिल जाती है। पावर टू वेट रेशो वाइज दोनों ही मोटरसाइकिल काफी इक्वली नेक टू नेक कंपटीशन में रहने वाली है, तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी चीज अपने वैल्यू के हिसाब से वर्थ लग रही है, कितने पैसे आप कौन सी में डालना चाहोगे। बाकी सारी चीजें आपके ऊपर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।